हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट संगीत का फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट आज हम लेंगे। पहला यूनिट का सेकंड टॉपिक है जिसमें हमें रागों की जानकारियाँ, उनके विवरण की स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ रागों के विवरण देखा था। आज हम राग यमन और काफी का विवरण देखेंगे और इन रागों की विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद हम भैरव का छोटा ख्याल और उसके आरोह और पकड़ देखेंगे। पहले हम लेते हैं राग यमन। राग यमन का विवरण इस प्रकार है। इस राग की रचना अपने ही नाम वाले था अर्थात कल्याण से मानी गई है। इसमें तीव्र मध्यम और अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। गवादी और निसंवादी माना जाता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में इसे गाया बजाया जाता है। इसके आरोह अवरोह दोनों में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण है। अब हम इस राग की विशेषता देखेंगे। मुसलमानों ने इसे यमन अथवा इमन कहना शुरू किया, किंतु इसका प्राचीन नाम कल्याण है। अतः इस राग के दो नाम हैं, यमन अथवा कल्याण। इन दोनों को एक में मिला देने से एक दूसरा राग हो जाता है और इस नवीन राग यमन कल्याण में दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं। यमन कल्याण में शुद्ध माँ केवल अवरोह में दो गंधारों के बीच प्रयोग किया जाता है, जैसे प म ग म ग रे नी रे सा। अन्य स्थानों पर आरोह अवरोह दोनों में तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। कल्याण अथवा यमन राग की चरण अधिकतर मंद्र नी से निषाद से प्रारंभ करते हैं और जब तीव्र मध्यम से तार सप्तक की ओर बढ़ते हैं तो पंचम छोड़ देते हैं, जैसे नीरे गामा धनी सा। इसलिए इसका आरोह दो प्रकार से लिखा गया है। दोनों प्रकारों में केवल पंचम का अंतर है और कुछ भी नहीं। पहला प्रकार है सारे गामा व धनी सा और इसका दूसरा आरोह है नीरे गामा धनी सा। कल्याण के कई प्रकार हैं, शुद्ध कल्याण, पूरिया कल्याण, जेत कल्याण इत्यादि। इन रागों से यह स्पष्ट है कि कल्याण शुद्ध और प्राचीन नाम है, यमन नहीं। इस राग में नीरे और परे स्वर समुदाय बार बार प्रयोग किए जाते हैं। कल्याण राग को आश्रय राग भी कहा गया है। इसका कारण यह है कि जिस तार से इसका जन्म माना गया है उसे भी कल्याण कहा गया है। ऐसा क्यों है, ये शंका उठना स्वाभाविक है। इसका समाधान यह है कि राग प्रचलन के बहुत दिनों बाद सभी रागों को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें ठाट या थाट कहा गया और प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट में रख दिया गया है। जिस समय थाट बनाए गए उस समय ये समस्या पैदा हुई कि उन्हें किन नामों से पुकारा जाए। अतः विद्वानों ने प्रत्येक विभाग में आने वाले किसी मुख्य राग के नाम पर ही उस थाट का नाम रखा। उदाहरण के लिए बिलावल राग के थाट को बिलावल और कल्याण राग के थाट को कल्याण कहा। इसलिए कल्याण और बिलावल राग और थाट दोनों हैं। इस तरह कुल 10 राग हैं और उन्हीं नाम के 10 थाट भी हैं। कल्याण की प्रकृति गंभीर है। इसमें बड़ा और छोटा ख्याल, तराना, ध्रुपद तथा मसीद गानी और रजा खानी गतें सभी सामान्य रूप से गाई बजाई जाती है। इस राग की चलन तीनों सप्तकों में होती है। कुछ राग ऐसे भी होते हैं जो केवल मध्य और तार सप्तकों में गाए जाते हैं, किंतु कल्याण राग तीनों सप्तकों में गाया जाता है। इसके मिलते जुलते
राग है यमन कल्याण। ये थी राग यमन की विशेषताएं। अब हम राग काफ़ी का विवरण और उसकी विशेषताएं देखेंगे। इस राग की रचना काफ़ी थार से मानी गई है। इसमें गंधार और निषाद कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। पवादी व र संवादी माना जाता है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसका गायन समय मध्य रात्रि है। इस राग की विशेषताएं इस प्रकार हैं। बिलावल तथा कल्याण रागों के समान यह भी अपने थाट का आश्रय राग है। यह चंचल प्रकृति का राग है, अतः इसमें छोटा ख्याल और ठुमरी गाई जाती है। अधिकांश ठुमरियों में ब्रज की होली का वर्णन मिलता है, अतः ऐसी ठुमरियों को होली के आसपास फाल्गुन के महीने में हर समय गाते हैं, अतः ये मौसमी राग है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए विवादी स्वरों की तरह कभी कभी आरोह में शुद्ध ग और नी प्रयोग करते हैं, जैसे म प ध नी सा नी ध प म प ग रे तथा रे ग म प ग रे। इसमें रे प तथा प ग की संगति बार बार दिखाई जाती है। इससे मिलता जुलता राग है सिंदूरा। ये थी राग काफी की विशेषताएं। अब हम राग भैरव लेंगे। राग भैरव का संक्षिप्त परिचय और विशेषता हमने पिछले वीडियो में बताई थी। आज हम इसके आरोह अवरोह और पकड़ देखेंगे तथा छोटा ख्याल जो तीन ताल में निबद्ध है। राग भैरव थाट का ही राग है, जिसमें ऋषभ और धैवत कोमल लगते हैं। ये संपूर्ण जाति का है, यानी आरोह अवरोह दोनों में सात स्वर प्रयोग किए जाते हैं। गायन समय प्रातःकाल 4 से 7 बजे है। राग भैरव का आरोह अवरोह और पकड़। Go.